हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. ओके, तो हम पहले फॉर एग्जांपल के लिए ले लेंगे 3x3 का मैट्रिक्स, डेट इज़ ए. ए मैट्रिक्स है हमारे पास दिस वन. तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनर्स कैसे निकालने हैं. जैसे माइनर को हम डिनोट करेंगे M11. अगर हमने A11 का माइनर निकालना है देन दिस इज डिनोटेड बाई M11. अगर A12 का निकालना है देन दिस इज डिनोटेड बाई M12. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए, जैसे हमने A11 का माइनर निकालना है, जैसे थ्री एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये थ्री एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में आएगा वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे. डिलीट करके हमारे पास जो पीछे बचेगा दिस इज माइनर. जैसे ये हमारे पास ये बचेगा माइनर, दिस इज इक्वल टू -1, 5, 2, 0. ओके, ये माइनर बच गया हमारे पास. एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x2 का डिटर्मिनेंट है ये. एंड दिस इज दिस इनटू दिस, 0 -10, 0 -10, एंड दिस विल बी -10. क्लियर स्टूडेंट. सिमिलरली M12 मीन्स माइनर ऑफ A12. A12 का माइनर क्या होगा, देखिए इसको भी डिलीट कर दिया हमने, इसको भी डिलीट कर दिया. पीछे हमारे पास बचेगा 1, 5, 4, 0. 1, 5, 4, 0, इसको भी सॉल्व कर देंगे. दिस इंटू दिस विल बी 0 -5 × 4 = 20 एंड दिस इज -20. देन M13 विल बी, देखिए इसको डिलीट कर किया हमने, देन इसको डिलीट किया कॉरेस्पॉन्डिंग रो को. पीछे बचेगा हमारे पास 1 -1, 4, 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 -4 एंड दिस इज इक्वल टू 6. क्लियर स्टूडेंट्स. एंड देन नेक्स्ट ऐसे ही हम सिमिलरली सेकेंड निकाल लेंगे, 1 का भी निकाल लेंगे. M क्या है ये, M21 एंड दिस विल बी M21 का निकालेंगे हम. देखिए इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, पीछे बचेगा हमारे पास 1, 2, 2, 0 एंड दिस विल बी 0 - 4 = -4 एंड M22 आएगा हमारे पास. इसका माइनर है, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, 3, 2, 4, 0 एंड दिस विल बी दिस इनटू दिस 0 - 8 एंड दिस इज इक्वल टू -8. क्लियर स्टूडेंट्स. सिमिलरली M23 निकाला हमने, M23 आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 23, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, पीछे बचेगा 3, 1, 4, 2 एंड दिस विल बी 6 - 4 एंड इज 2. देन M31 विल बी, देखिए 4 आ गया, 4 को इस रो को भी कैंसिल कर देंगे हम, इस कॉलम को कैंसिल कर देंगे, पीछे बचेगा 1, 2 - 1, 5 विल बी 5 - -2 एंड दिस इज इक्वल टू 7. देन M32 विल बी, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, पीछे बचेगा 3, 2, 1, 5 एंड दिस विल बी 15 - 2 विल बी 13. क्लियर स्टूडेंट्स. M33 का आएगा, देन दिस इज M33 का, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों एंड विल बी 3, 1, 1 - 1 = -3 - 1 विल बी -4. क्लियर स्टूडेंट्स. अब ऐसे हमने सभी माइनर्स को निकाल देना है. क्लियर. नेक्स्ट हम निकालेंगे कोफैक्टर्स. जैसे हमने पहले माइनर्स निकाल लिए, अब सेम ऐसे ही कोफैक्टर्स निकालने हैं. कोफैक्टर्स को डिनोट करेंगे, जैसे A11 का हमने कोफैक्टर निकालना है, A11 फर्स्ट एलिमेंट का, तो इससे दिस इज डिनोटेड बाय C11 एंड दिस इज इक्वल टू -1 raised to power. इसको ही ऐड कर देना हमने. इसका फॉर्मूला होगा जैसे CIJ का फॉर्मूला होगा, वेयर I डिनोट्स रो एंड J डिनोट्स कॉलम. -1 raised to power i + j into minor of ij जो भी होगा. ओके, जैसे हमने C11 निकालना है तो ये बनेगा -1 raised to power 1+1 into M11 एंड दिस इज इक्वल टू -1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज पॉजिटिव एंड M11 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -10 आ जाएगा. ओके, एंड देन C12 जैसे -1 raised to power 3 आ जाएगा ये 1+2 करके इंटू M12 एंड विच विल बी -1 raised to power 3 आएगा तो नेगेटिव होगा एंड इंटू M12 है हमारे पास -20 एंड दिस इज इक्वल टू 20. सिमिलरली देखिए हम इसमें इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं,
जैसे हमने निकाला है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया कोफैक्टर का। मींस किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर लंबे क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए सिंपली कोफैक्टर्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे हमारे पास है पहले कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, को फैक्टर्स ऑफ रो फर्स्ट विल बी, देखिए जैसे कैसे लिखेंगे इसे हम, पॉजिटिव ऑफ माइनर M11 क्या है हमारे पास, -10, कोमा, कोमा लगाना है इसमें, बिल्कुल सिंपल वे है ये करने का इसको। ओके, देन नेगेटिव ऑफ देन M12 विच इज -20, कोमा, देन पॉजिटिव अंदर आएगा M13, 13 क्या है हमारे पास, 6। तो हमारे पास को फैक्टर्स ऑफ रो फर्स्ट आ गए -10, 26। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली को फैक्टर्स ऑफ रो सेकेंड ये होंगे होंगे देखिए नेगेटिव M21 विच इज -4, कॉमा, नेक्स्ट पॉजिटिव M22 विच इज -8, देन नेगेटिव ऑफ M23 विच इज 2 माइनर, एंड सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 -8, -2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखिए को फैक्टर्स ऑफ रो थर्ड, ये बनेंगे अब पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ M31 ये आ जाएगा 7, देन नेगेटिव ऑफ M32 विच इज 13, देन पॉजिटिव ऑफ M33 विच इज -4। तो हमें सॉल्व करके मिल गए 7 -13 एंड नेक्स्ट -4। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके साथ हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स को तैयार करना है। देखिए जैसे रो फर्स्ट का क्या है हमारे पास, -10, 26, इसको एज इट इज ही लिख देना है हमने, देन 4, -8, -2, नेक्स्ट 7, -13, -4, ये हो गया को फैक्टर मैट्रिक्स तैयार। ओके, अब सिंपली क्या करना है हमने, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस विल बी विच इज डिनोट ऑल्सो डिनोटेड बाय ए डी जे ऑफ ए, ऐसे इसको डिनोट भी कर सकते हैं हम। नाउ दिस इज इक्वल टू, जो भी हमने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला है सिंपली उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये बनेगा -10, 26, 4, -8, -2, 7, -13, -4, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।